काफ़ी शौक था ड्राइंग का। बस उसके बाद मैंने पेंटिंग सीखनी स्टार्ट की। घर वाले तो काफ़ी अगेंस्ट थे, पेंटिंग क्या, पेंटिंग से क्या होगा। तो बस मेरे को तो मेरे ऊपर बिल्कुल यही भूत सवार था एक किस्म का कि आर्टिस्ट बनना है, किसी तरीके आर्टिस्ट बनना है। रात को जैसे हम काम करके आते थे वापस, तो सुबह आंखें बंद करके यही होता था कि सुबह जाके मुझे इस तरह कलर लगाने हैं वहाँ, यानी बिल्कुल पेंटिंग के पीछे पागल, वो चीज़ थी। हाय, आई एम मंजीत, आई ऑन मंजीत टैटूज इन तिलक नगर न्यू दिल्ली। आठ साल से मैं टैटू कर रहा हूँ। टीवी में एक मायामी इंक आता है, वहाँ मैंने देखा कि जो आर्टिस्ट हैं पेंटिंग भी कर रहे हैं और टैटू भी कर रहे हैं, तो उसे देख के मुझे लगा कि मुझे टैटू करने चाहिए। मैंने मशीन ली और कुछ अपने फ्रेंड्स के टैटू किए, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनके फ्रेंड आगे आए। धीरे धीरे करते हुए 2-3 महीने में इतने टैटू आने लगे मेरे पास कि टैटू करने में भी मज़ा आने लग गया। बिल्कुल सेम पेंटिंग, जैसे हम पेंटिंग करते हैं वैसे ही टैटू, उतना ही मज़ा आने लग गया। टैटू में मेरा मोटिव है कि डेली जो मैं टैटू करता हूँ उसमें अपना 100% दूँ, और आने वाला टाइम जो मैं देखता हूँ टैटू इंडस्ट्री में ऐसा काम करूँ जो इंटरनेशनल लेवल में लोगों को अच्छा लगे, और जो हमारी इंडियन टैटू इंडस्ट्री है उसको मैं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। और जो कन्वेंशंस आज इंडिया से बाहर होती हैं, जो अच्छे टैटू आर्टिस्ट इंडिया से बाहर आते हैं, तो वही कन्वेंशन इंडिया में हो। टू वॉच माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड टैटूज फॉलो मी ऑन itattoo.com।